हे गैस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एटमिक्स में। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में, कि जर्मन शेफर्ड के बारे में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और कौन सी ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना है जिसके कारण जर्मन शेफर्ड की आगे आने वाली लाइफ अच्छी हो सके और बचपन से लेकर एडल्ट डॉग बन जाता है और आगे भी क्या क्या उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आप सब कुछ फिल कर सके। तो इसकी वीडियो में आज पूरा जर्मन शेफर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 800 लाइक का टारगेट आप जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा, और हो सके तो किसी और भी बंदे को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी इसके बारे में पता चले। गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये हैवी बोन या फिर आप बोल सकते हैं एकदम नॉर्मल डॉग ब्रीड जाते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि ये मीडियम डॉग ब्रीड है या फिर हमें हैवी बोन ही चाहिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर आप हैवी बोन लेते हो या फिर मीडियम क्वालिटी का या फिर लो क्वालिटी का लेते हो तो आगे जाके वो जर्मन शेफर्ड अच्छा नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं है। ये बस क्या होता है कि अगर आप पपी के एज में होते हैं तो डॉग ब्रीडर डॉग शॉप वाले क्या करते हैं, उसको अच्छा मोटा हेल्दी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात जाती है उसके मदर फादर के ऊपर कि मदर फादर कैसे है। अगर उसके मदर फादर हेल्दी फिट है एकदम, तो जो बेबीज होंगे काफ़ी हेल्दी और फिट भी होंगे, तो उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बोन और मोटा लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि डॉग ब्रीडर और जो डॉग शॉप वाले तो उनको अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है उसके ऊपर, 2 या 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उनको आराम से मिल जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी मिल लेते हैं। अच्छे चैम्पियन लाइन का अगर डॉग ब्रीड हो उसके मदर फादर, तो उसमें जो पपीज़ है वो सेल होने में काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगता, जल्दी से सेल हो जाता है और अच्छे प्राइस में सेल होता है। तो अगर आपका जितना बजट है आप उसके हिसाब से अगर आप पपी या फिर डॉग लेते हो तो क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे उसका आप डाइट फॉलो करते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसका वज़न आराम से ध्यान रखना है कि कितना कितना है, आपको नोट करके रखना है एक डायरी में, जैसे कि पहले मंथ में इतना है, दूसरे मंथ में इतना है, और रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप कराने ज़रूर जाना है उसके वेट के हिसाब से, क्योंकि उसके वेट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डॉग अच्छा खासा ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ कमी तो नहीं है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि आपको डाइट बदलने की ज़रूरत होती है और फिर आपको पता नहीं चलता कि हम कब बदले, तो फिर बहुत देर हो जाती है, फिर डॉग वीक होना चालू हो जाता है, फिर आपको शुरुआत से उसको वापस से उसको मोटा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ या फिर समस्या आती है, फिर आप बोलोगे इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा डॉग तो मोटा भी नहीं हो रहा। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि उसका वेट और उसका डाइट को आपको ज़रूर से फॉलो करना है। जितने भी जर्मन शेफर्ड होंगे उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, जर्मन शेफर्ड ऑनर को, कि उसके ऊपर आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। कभी कभार क्या होता है कि उनके बालों के ऊपर बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, जैसे कि कभी कभार सीज़न के प्रमाण होता है तो चलता है, शेडिंग का टाइम आता है, बट शेडिंग के टाइम के बाद भी उसके बाल ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको मल्टी विटामिन की कमी होगी, और जर्मन शेफर्ड के अंदर मल्टी विटामिन और जो कैल्शियम की कमी हमेशा होती है, तो आपको वो भी टैबलेट उसको देनी है। सिरप में भी आते हैं, बचपन से भी आप उसको जो सिरप भी दे सकते हैं, और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है उस हिसाब से आप जो है उसे जो गोलियां वगैरह आती है कैल्शियम जो बोन्स की आती है, बोन्स को अच्छा मजबूत करने के लिए, वो आप दे सकते हैं, बट वो आप अपने मन से मत दीजिएगा, डॉक्टर की राय लेके आप ज़रूर से देनी है। और इसके अलावा जैसे कि उसके कान खड़े नहीं होते या फिर जर्मन शेफर्ड अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपरली आप एक्सरसाइज नहीं कराते हो तो उसके कारण भी ऐसा होता है। जर्मन शेफर्ड को आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा उसको ग्रो होने में, जैसे कि अगर पप्पी एज में है तो उसके 6 या 7 महीने तक उसको जो मल्टी विटामिन या कैल्शियम की कमी है, तो उसके कारण भी उसके कान खड़े नहीं होते, तो वो अगर आप प्रॉपरली देखिएगा कि वो अगर दे रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि फीमेल है तो फीमेल के कंडीशन में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मीटिंग हो जाने के बाद उसको प्रॉपरली आपको डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराने भी ले जाना पड़ता है, और जैसे कि बेबीज़ कितने हैं क्या नहीं, वो आपको अगर जानना है तो मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारे वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे केयर करनी है, या फिर आप पपी कितने हैं उसका भी पता लगा सकते हैं, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाइए, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो जैसे कि मीटिंग के बाद प्रेगनेंसी है उसके बारे में भी आपको बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारा नॉलेज भी चाहिए, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करना भी आपको जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो तो उसके बेबीज़ भी काफ़ी अच्छे हेल्दी भी होते हैं और फिट होते हैं, और मदर को भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आती। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं या फिर स्मॉल हाउस में रहते हैं वो लोग जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते, वो घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती तो घूम सकेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि उसके गर्दन हो गए या फिर लेग वो पीछे से एक दूसरे से लग जाते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है उसको लेग प्रॉब्लम भी चालू हो जाते हैं, लेग बेंडिंग भी होते हैं। तो कभी भी आप उसको मॉर्निंग वॉक और शाम को जो है उसको 5 या 6 बजे के बाद 1 घंटे की वॉक आप ज़रूर कराएं, और डेफिनेटली जर्मन शेफर्ड को सख्त ज़रूरत होती है वॉक की, तो ज़रूर से आप वॉक कराइएगा और जितना हो सके उतने उसके एक्सरसाइज प्रॉपरली कराइएगा।
और जो मल्टी विटामिन कैल्शियम की कमी होती है वो भी आप दूर कर सकते हैं, और टैबलेट वगैरह दे सकते हैं। खाने के अंदर भी आपको ऐसे न्यूट्रिशन देना है। और जर्मन शेफर्ड में क्या होता है कि जो डॉग फूड होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि कौन सा जर्मन शेफर्ड जो है अलग अलग जो है डॉग फूड खाता है, अच्छे से खाता है कि नहीं खाता, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, अगर आप बड़ा पैकेट लाते हो अचानक से उसको देते हो, फिर उसको मूड नहीं होता वो खाने का, या फिर वो नहीं उसको अच्छा लगता, फिर आप बार बार उसको वो दे रहे हो, तो खाने में भी छोड़ देगा, पैसे भी बर्बाद हो गए और डॉग फूड भी बर्बाद होगा। उससे अच्छा आप जो है मिनी पैक ला के देखिएगा कि आपका डॉग अच्छे से खा रहा है कि नहीं खा रहा। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा महंगा लाए तो वही डॉग का फूड जो है डॉग के ऊपर असर करेगा, ये गलत फहमी है। डॉग के हिसाब से डॉग को जो अच्छे से डाइजेस्ट होता है वो डॉग फूड आप दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने 3,000 का लाया है 1 kg, या 4,000 का लाया 1 kg, उससे डॉग का जो है फिट होगा। ऐसी बात नहीं है, आप जो भी दे रहे हो डॉग फूड वो उससे अच्छा अच्छा डाइजेस्ट हो, या फिर कोई कोई डॉग जो है भूखा, उसको भूख नहीं लगती तो भूख के लिए भी उसके जो है सिरप आती है वो आप उसे दे सकते हैं, लीवर टॉनिक दे सकते हैं। बट वो आप मैं आपको बताऊँ कि आप डॉक्टर के सजेस्ट या फिर राय लेके आप दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जल्दी से अच्छी आपको कंपनी बताएंगे कब देना है, कितने टाइम देना है, बॉडी वेट के हिसाब से देना है, वो भी आपको ज़्यादा मायने रखता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बालों के लिए आपको खास ध्यान देना है कि बालों के लिए जैसे कि डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करनी है आपके डॉग की। डिवॉर्मिंग कभी फेल भी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसके बॉडी वजन के हिसाब के उसको देना है, टैबलेट कितनी आती कितनी नहीं आपको ध्यान देना है। उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखिए, ऊपर आई बटन में जाके आप दे सकते हैं। और रेगुलर ब्रशिंग आपको ज़रूर करनी है ताकि उसका कोट शाइनी रहे। कोई भी ऐसे हार्मफुल जो प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं करने के जर्मन शेफर्ड के ऊपर, जैसे कि साबुन हो गया या शैम्पू हो गए, ऐसे मत यूज़ कीजिएगा। जो कि डॉग के लिए आते हैं वो आप यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बरसात में हो गया या फिर गर्मी में हो गया, इन दोनों कंडीशन में आपको जर्मन शेफर्ड का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है उनकी बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस कंडीशन में आप उसको घर के अंदर रखिएगा, कूलर फैन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें वो बैठा रहेगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लैब्राडोर के साथ या फिर कोई भी डॉग हो उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका डॉग ज़्यादा पानी में खेलता है, ज़्यादा पानी में बैठता है, तो उसके कारण रेडनेस हो सकती है। उसका जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे भी रेडनेस हो सकती है, पूंछ के पास जो है स्किन एलर्जी हो सकती है, उसके कारण स्किन इन्फेक्शन, हेयर फॉल, ऐसी बीमारी हो सकती है। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर अगर आप जब भी उसको नहलाते हो तो पूरी बॉडी आप चेक कीजिएगा कि कुछ ऐसा घाव तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, या फिर ब्लैक ब्लैक कलर के जो धब्बे तो नहीं हो रहे, तो उसके कारण से भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर स्किन एलर्जी हो रही है या फिर शुरुआत के टाइम है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह से जर्मन शेफर्ड लेते हैं और बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, इसलिए कभी भी आप जो ऑफलाइन ले रहे हो या फिर ऑनलाइन ले रहे हो तो ध्यान से लीजिएगा। और मेरी माने तो आप ऑनलाइन ना ही खरीदो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अभी फ्रॉड हो रहे हैं, सब लोग जो एडवांस पैसे देते हैं और उनको डॉग डिलीवर नहीं होता, और आपने कभी भी उनके साथ कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, किसी ने नहीं लिया होता, बस आप फोटो आप देखते हो कि अच्छी क्वालिटी का वो लोग आपको भेज देते हैं, आप उनको वो आपको एड्रेस वेड्रेस सब ऐसा आईडी प्रूफ भी दे देंगे, बट वो नकली होगा और आपको बोल देंगे कि हम आपको भिजवा देंगे, आप एडवांस पेमेंट कर दो। और आपको कभी भी एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं देना, आप जितना हो सके उतना आप जाके रूबरू उसके मदर फादर को, पपीज़ को देखिएगा, और उसके बाद ही आप जो है बाय कीजिएगा। और आपको बार्गेन ज़रूर से करनी ताकि आपके जो पैसे थोड़े बहुत बच जाए। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। और जो मेरा सेकंड चैनल है एटमिक्स व्लॉग, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।